आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहां पर हम आज बात करेंगे आईओ सबसे पहले हम अपने चैनल पर बता दें आप यहां पर सीखते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा अब बात करते हैं आईओ एल का क्या चल रहा है और ये इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है स्टॉक पिछले कोविड के चलते हुए तो आईओ की अगर हम कल की क्लोजिंग की बात करें तो सात रुपए पर बंद हुआ है बी और एनएससी पर और ये अपने 52 वीक हाई के आसपास चला गया इसका 52 वीक हाई जो है 833 है जो भी भी है जो अभी रिसेंटली इसने बनाया और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे के लिए एक हेल्दी साइन है इस स्टॉक के लिए तो बहुत कम स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंचे हुए हैं ये उनमें से एक स्टॉक है आज हम इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि टेक्निकल लेवल पर आपको कहां एंट्री करनी चाहिए कि आपको स्ट्रेट अवे जंप कर देना चाहिए स्टॉक को खरीदना चाहिए या आपको थोड़ा वेट करना चाहिए किस लेवल पर खरीदे ये सब बात करेंगे आगे अब अगर हम चलकर बात करें इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर की तो सबसे पहले इसकी मार्केट वैल्यूएशन देख ली जाती है ये बेसिकली मेडिसिन कंपनी है और वैल्यूएशन के बेसिस पर छोटी कंपनी है चार हजार करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है कल के प्राइस बंद होने के बाद में फेस वैल्यू दस रुपए की है और डिविडेंड यील्ड बहुत कम है तीस परसेंट का डिविडेंड मिलता है और यील्ड जीरो पॉइंट फोर है तो यील्ड के हिसाब से तो अच्छी कंपनी नहीं है डिविडेंड के पर अगर आप इसकी वैल्यूएशन की देखें आपको पता लगेगा कि क्या अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है जब से कोविड की प्रॉब्लम शुरू हुई है तो इसके लिए अब हम आगे चलकर बात करते हैं आपको इसके सेल्स फिगर की तो अगर जून महीने के सेल्स की बात की जाए तो जून में करीब करीब पांच परसेंट सेल का इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर में 441 था अभी यहां पर 460 के आसपास आ गया है वहीं अगर इनके एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस बड़ी मत सेम है तीन सौ के आसपास एक्सपेंस करोड़ में है इनका तो नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है वो नब्बे करोड़ से बढ़कर एक करोड़ हो गया है जो कि बहुत अच्छा नंबर है अगर आप देखें तो पिछले पांच क्वार्टर का सबसे अच्छा प्रॉफिट उनको इसी बार हुआ है जो कि 100 करोड़ से ज्यादा क्रॉस किया है उनके पिछले पांच क्वार्टर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट है और एक्सपेक्टेड भी था इस क्वार्टर में अगर कोई फार्म कोई कंपनी सेगमेंट अच्छा करेगा तो वो फार्मा ही होगा क्योंकि कोविड के चलते हुए सब जगह दवाइयों की जरूरत पड़ रही है अब हम थोड़ा चलकर इसके और एंगल से इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बिफोर वी गो टू इट्स वेबसाइट तो सबसे पहले अगर आप इनके प्रमोटर स्टेक होल्डर देखें तो जून में इन्होंने अपना स्टेक होल्डिंग थोड़ा बढ़ाया है 41% था उसको बढ़ाकर 43% कर दिया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है स्टॉक के रेफरेंस में अब यहां पर देखिए ये सबसे अच्छा पैरामीटर जो आपको बता रहे हैं एफ की होल्डिंग जो है ये चीज आपको नोट करने वाली है कि एफ की इनके पास में होल्डिंग अगर एक साल पहले ये देखा जाए तो करीब करीब एक थी उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर यहां पर छह प्रतिशत कर दी है तो एफ को अच्छा लग रहा है स्टॉक ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है आपको एक साल का पैरामीटर देखा जाए डी थोड़ा उसको बेच रहे हैं पर एफ आई आई इसको खरीद रहे हैं और रिटेल के पास में ये करीब 24 परसेंट के आसपास स्टॉक है तो रिटेल ने भी अच्छा इन्वेस्ट किया है इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास ये स्टॉक होगा अगर है तो प्लीज बताइएगा आपने कितने पे खरीदा है और आपको कितने का मुनाफा हो रहा है अभी हम आपको कंसल्टेशन कर सकते हैं कस्टमाइज करके कि आप कितने टाइम का अगर टाइम फ्रेम आपको बताएंगे तो आपका एक्सपेक्टेड प्राइस कितना रहेगा तो बहुत अच्छा पैटर्न इमर्ज हो रहा है एफ को समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक अच्छा स्टॉक चलेगा आगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा रिसर्च करने में टीम को एफर्ट लगता है और अगर आपका लाइक मिले और कमेंट आए तो हमें बहुत प्रोत्साहन होता है है वीडियो 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 बनाने बनाने के लिए लिए आगे आपका कोई भी नया बनवाना तो आप बताइएगा हम वो सारा आपके की कोशिश करेंगे अब चलकर जरा हम इसकी वेबसाइट को देख लेते हैं तो ये करते क्या काम है इनके पास में बहुत सारी एफर्ट है जो वो यूटिलाइज करते हैं अपने पास में ये बल्क डील प्रोड्यूस करते हैं इसके साथ में इनका यूएस यूएसएफी के साथ में टाइप है और इनके साथ में डिफरेंट वेंचर्स है और यूके में इनका वहाँ पर भी टाई अप है तो इसके चलते हुए इनकी डिमांड जो एक्सटर्नल मार्केट में है वो बहुत ज्यादा रहती है तो इसके लिए ये जेनरिक ड्रग भी बनाते हैं और स्पेशल एपीआई के थ्रू ड्रग जो बनती है वो भी ये लोग बनाते हैं और स्पेशल केमिकली भी प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि एथलिन एक्टेट और ये सब केमिकल हो गए ये सब ये प्रोड्यूस करते हैं और इनकी प्रेजेंस ग्लोबली है ये एक सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की यही रीजन है एफ आई आई इसको बाय कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में है इनकी प्रेजेंस यूरोप में काफी कंट्रीज में है यूके में है इनफैक्ट सदर्न अमेरिका में भी है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी प्रेजेंस जो है यूरोप में एशिया में और नीचे ऑस्ट्रेलिया में भी है तो ऑल ओवर द ग्लोब अगर आप देखें हर कॉन्टिनेंट में इनका कुछ ना कुछ प्रेजेंस है जो कि बहुत अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए और यही शायद रीजन है एक फंडामेंटल वैल्यूएशन देखने का एफ इसको बाइक कर रहे हैं हम अपने नए दर्शकों का स्वागत करते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे और इसके साथ में स्टॉक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी आपको खरीदना है जैसे बी का हमने रात को ही वीडियो बनाया था जिसके लिए आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की डिफेंस पॉलिसी आई है उसके चलते हुए बी का बहुत अच्छा आउटलुक रहेगा और इसके अलावा आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टॉक बेस जैसे फ्यूचर रिटेल फ्यूचर ग्रुप खरीदा जा रहा है रिलायंस के द्वारा उसमें क्या लेटेस्ट चल रहा है और आलोक इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है ये सब आपको डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगी और आपको इसके साथ में आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेंगे अगर आपको कोई भी क्वेरी है जिसके लिए आप चाहते हैं आपका हम, हम हेल्प करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू फॉर ऑल द क्वेरीज तो ये आपका बहुत बहुत प्यार हमें जो मिल रहा है हम उसके बहुत आभारी हैं हम आशा करते हैं हम आपके आंसरों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से अब चलकर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अगले टेक्निकल लेवल पर क्या पैरामीटर बन रहा है तो आप ये पैटर्न देखिए जरा हमने ये वीकली चार्ट आपके लिए खोला है जिसमें हमने ऑलरेडी टीम ने हमारी रिसर्च करके बताया हुआ है कि क्या आप चल रहा है तो अगर आप देखेंगे इसको तो 2017 में इसका प्राइस जो था वो करीब-करीब 130 140 के आसपास था पर कुछ कम गया नीचे गया नीचे जाते हुए

इसके बाद जो इसने अपनी रफ्तार पकड़ी है अब यहां पे आप देखिए 147 जब से कोविड का समझ में आया लोगों की जो उनका अच्छा रहेगा और इसके पास एक्सपोर्ट क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो देखिए तीन महीने में ये 180 से शेयर बढ़कर करीब करीब 760 के आसपास हो गया है तो यहां पर इसने जो दिखाई है आपको चार गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है महज तीन सालों में और वॉल्यूम भी देखिए आप यहां पर यहाँ पर प्री कोविड में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ और फिर कोविड के बाद तो इसमें एकदम माउंटेन पे माउंटेन बनते जा रहे हैं देखिए यहाँ पर कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है इस शेयर में इस टाइम पर तो पर क्या क्वेश्चन ये होगा आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली पर क्या एकदम सीधे के सीधे जंप करके बाय कर ले इसको या कुछ वेट करें तो ये हम इसका एनालिसिस आपके लिए करेंगे आगे

काफी अच्छा बाय सिग्नल बताया था और उसके बाद से इसने बाय मोमेंटम कंटिन्यू रखा है क्योंकि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है तो कभी बीच में बाय को सेल भी कर दिया था इसने एक टाइम बीच में 400 के आसपास पर फिर कंटिन्यू किया बाय मोमेंटम के लिए अभी इसके हिसाब से जो क्रिटिकल लेवल है वो 627 का है अगर किसी वजह से स्टॉक इसके नीचे जाता है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ा नीचे चलने लगे पर यहां से उम्मीद यह है

नौ के 26 मिनट हुए हैं और इसका जो मोमेंटम चल रहा है वो करीब करीब 47 पॉइंट अप है अगर देखें बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का भी कारोबार थोड़ा ठीक चल रहा है 78 पॉइंट अप है वो भी करीब पॉइंट थ्री सेवन परसेंट आप दिखा रहा है तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा एंगल से अगर आप टेक्निकल फॉलो करते हैं तो एक पैरामीटर आपके चार्ट में जरूर होना चाहिए जिसको आप रेगुलर टाइम बेसिस पर देखते हैं जब आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उसका रीजन हम बताएंगे आपको कि क्यों आपको ये देखना है तो अगर हम बुलिंजर बैंड की बात करें तो देखिए ये स्टॉक जब ऊपर चल रहा है तो बुलिंजर बैंड के अपर रेंज में चल रहा है जैसे ही इसने बाहर निकला तो उसको रिट्रेस करके वापिस आना होता है तो ये यहाँ पे वापस आया अपना मीन के आसपास आने की कोशिश है तो आपको कभी भी बुलिंजर बैंड के बाहर नहीं खरीदना है वो एक ओवरबोर्ड जोन हो जाता है मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप हमारे चैनल पर आए हैं पर मेरा उद्देश्य पर आपको सिर्फ टिप देना नहीं है कि इसको इतने पे खरीद लीजिए मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको सिखाना भी है तो ये जो बाहर गया यहां पर पिछले तीन हफ्तों में तो इसने क्लियर इंडिकेशन था आप यहां पे मत खरीदिए हो सकता है आपने यहाँ पे खरीदा हो हो सकता है आपने यहाँ पे खरीदा हो, हो सकता है आपने यहाँ पे खरीदा हो, हो, हाँ पे हो. अगर आप यहाँ पे खरीदेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे एट पे खरीदा तो स्टक हो गया आप उसमें अगर आप इसको वेट करें रिट्रेस होने दें तो आपका ये लेवल वापस फाइव आया है आप समझिए इस बातों को 800 की बजाय आपको ये स्टॉक 600 में मिल रहा है तीन हफ्ते का अगर आप वेट करें सिर्फ एक पैरामीटर को देखने से तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट अपना फीडबैक दीजिए हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम चैनल पर आपको हेल्प करना चाहते हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं इसके बाद इसने फिर आप मूवमेंट जारी किया

हम लोगों ने कैंडलस्टिक चार्ट स्टडी करने के बाद में आपके लिए लेवल बना के रखे अपने चार्ट पर रखेगा हम हमेशा बोलते हैं अपने दर्शकों को हमेशा आप स्टेगर्ड मैनर में बाय कीजिए तो जो आपकी बाय लेवल है वो हम बता रहे हैं आप करीब करीब करंट मार्केट प्राइस पे मत खरीदेगा इसको 711 से 710 की आपकी एक पहली रेंज होनी चाहिए जहां पे आपको खरीदना है जी हाँ प्लीज बाय बिटवीन 711 टू 700 हंड्रेड 620 जी ये ये दूसरी है में हमेशा ताकि आपका एवरेज बना रहे। तो ये दो रेंज है, यहाँ पे बहुत अच्छी आएगी हमारे हिसाब से आप इसको खरीद के रखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसका बात किया जाए क्योंकि इसने अपना रीसेंट हाई जो है 850 का बनाया है तो हम इसका टारगेट जो बताएंगे आपको दो रेंज के हिसाब से बताएंगे कुछ लोग इसमें मोमेंटम शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो

अगर आपको लगे हम कहीं पे इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए और अपना फीडबैक हमें बताइएगा मैं उम्मीद करता हूं आप यहाँ पर सीख रहे हैं और आप पैसा भी कमा रहे हैं अगर आपका फीडबैक मिलेगा तो हम अपने चैनल को फर्दर इम्प्रूव करेंगे जैसा हमने बताया हमने सिर्फ एक महीने पहले चैनल शुरू किया है और मैं आपके प्यार से बहुत उत्कृत हूँ कि आपने यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप हमारे फीडबैक दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग हमने टारगेट की बात की मैं आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका दिन मंगल में हो हैप्पी ट्रेडिंग फॉर यू ऑल और स्टे सेफ स्टे होम ताकि आप कोविड से बच सके